85,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं. डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्ट कि ये फोल्ड हो जाता है. सैमसंग जेड गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 5G. जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द न्यूएस्ट फोन्स दैट सैमसंग हैज लॉन्च्ड. ये फ्लिप सीरीज में है. आजकल जो नया एक ट्रेंड चला है जिसके अंदर के फोन या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा. बीच में मोटरोला ने भी अपना दोबारा रेजर लॉन्च किया था. इससे पहले सैमसंग के दो मॉडल्स और आ चुके हैं इन द फ्लिप सीरीज और द फोल्ड सीरीज. सबसे बड़ी दिक्कत अब तक के फ्लिप और फोल्ड के अंदर आती थी, क्रीज बन जाती थी. आप एक कागज लीजिए, उसको मोड़ दीजिए और उसको वापस खोलने की कोशिश करिए तो बीच में एक लाइन रह जाती है. सो दैट इज वॉट सैमसंग सेज दैट इट हैज एड्रेस्ड टू अ मेजर एक्सटेंट एज फार एज दीज वंस आर कंसर्न. सेकेंडली, धूल मिट्टी बहुत इकट्ठी होती थी. रुका नहीं गया कि मैं इसको शूट करूं अनबॉक्सिंग. तो डब्बा मैंने खोल लिया, फोन मैंने ऑन कर लिया. एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दीज फोल्ड और द फ्लिप फोन्स दैट एनी कंपनी इज ऑफरिंग. दीज स्पेसिफिकेशंस दैट आर देयर, दे आर एवरेज. कन्वीनियंस काफी हो जाती है बिकॉज यू आर जस्ट कैरिंग इतना सा फोन. एंड डुअल स्क्रीन है, एक अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और बाहर आती है. किस तरीके से दिखता है, क्या दिखता है, लेट अस जस्ट गेट टू इट. आइए, ज्यादा कुछ नहीं है, डब्बा बहुत पतला है. सैमसंग की ब्रांडिंग है गैलेक्सी जेड फ्लिप. दिस वन कम्स इन टू कलर्स, दैट इज क्रीम एंड इट कम्स इन फैंटम ब्लैक. फैंटम ब्लैक इज द वन दैट सैमसंग स्टार्टेड ऑफ विद S21 Ultra. ओके, देखिए नया फोन खोलने में मजा तो बहुत आता है. फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस फोन इज मोर ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी रादर देन समथिंग एक्स्ट्रा एज फार एज द फोन इज कंसर्न. इसको ऑन करने से पहले देखते हैं टुवर्ड्स द साइड. दिस इज द फिंगरप्रिंट सेंसर एंड द वॉल्यूम रॉकर. ये फिंगरप्रिंट सेंसर होने के साथ साथ आपका पावर बटन भी है. नीचे आपके मिल जाते हैं माइक, चार्जिंग पोर्ट, द स्पीकर. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द सिम ट्रे, ऊपर एक माइक एंड पीछे दो कैमरा, एक फ्लैश, सामने का फ्रंट कैमरा. यहाँ फोल्ड करके इट इज जस्ट दिस. अगर देखा जाए सो दिस इज प्रैक्टिकली काइंड ऑफ हाफ ऑफ दिस फोन. थोड़ा सा बड़ा आ जाता है बट स्टिल इट गेट्स रियली कन्वीनियंट टू कैरी. अब इसमें कितनी धूल मिट्टी जाती है. द हिंज इज ऑल्सो वेरी स्टर्डी, प्रॉपर प्रोटेक्शन है. Now let's power it on. हल्की सी क्रीज अगर आप देखें, ये लाइट जिस तरीके से इसके अंदर हो रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि एक क्रीज आ तो रही है. एंड दिस फोन इज नॉट इवन 2 hours old. सो कागज लेके मोड़ने के बाद जब खुलेगा तो एक लाइन तो रहेगी ही रहेगी. Okay. As far as the specifications of this phone are concerned, the CPU is 2.8 gigahertz octa-core. Display is 6.7 inch full rectangle. Resolution is 2640 by 1080. The technology as far as the display is concerned is AMOLED 2x display, 16 million color depth. And jo iska chota display hai uska resolution is 260 by 512. Super AMOLED. The rear cameras, the two rear cameras are 12 megapixel plus 12 megapixel, and the front camera is 10 megapixel, जो कि यहाँ पर सेंटर में है. यहाँ सेंटर में इसमें ये फ्रंट कैमरा है. अगर हम बेसिक विड्थ की बात करें तो दिस इज वन प्लस के साथ अगर मैं इसको देखूँ तो थोड़ा सा लंबा है, मोटा उतना ही है. देर इज नो कैमरा बम्प, जैसे आजकल काफी कैमराज के अंदर कैमरा बम्प आता है. द रीजन वाई देर इज नो कैमरा बम्प, क्योंकि कैमरा के अंदर कुछ ज्यादा ऐसे कोई स्पेसिफिकेशंस इसकी नहीं है. इट हैज अ स्मूथ डिस्प्ले
and rear camera has digital 10x zoom. It does not have optical zoom. So ye dhyan rakhe, it does not have an optical zoom. This is more for convenience. And as far as the video recording is concerned, it records in 4K and slow motion, 960 FPS in HD and 240 FPS in full HD. 8 GB, 128 GB, basically dual SIM, 2G, 3G, 4G, 5G तक चलता है, USB-C connector है and इसके अंदर कोई आपका 3.5mm का jack नहीं है. So all said and done, please do remember कि अगर आप इस पे 85,000 रुपीस खर्च कर रहे हैं, do not expect something extraordinary except कि ये fold हो जाता है. तो 85,000 रुपए में आपका फोन फोल्ड होता है और बीच में एक थोड़ी सी लाइन आती है विच में नॉट बी ऑल दैट प्रोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू द ब्लैक्स, बट आपको हल्का सा कर्व उसमें नजर आ रहा है. So what they are going to do about it, that Samsung will decide. Yes, Oppo ने एक concept phone निकाला है जिसकी screen scroll होके open होती है. That is a beautiful phone. I am yet to get my hands on one of those. But I have seen उसके अंदर कहीं crease का कोई झंझट नहीं है. So let us see how this one does. And frankly speaking, I don't think that Samsung even cares at this point of time कि ये बहुत ज़्यादा चले, because they themselves know कि अगर किसी को बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, that person won't go in for this. अगर किसी को बहुत खूबसूरत सेल्फी खींचनी है, that person will not go in for this. It is a छोटा फोन. आपको नोटिफिकेशंस, आपका घड़ी यहाँ सामने नजर आ जाती है. ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, एक्सेप्ट कि ये छोटा फोन है, फोल्ड हो जाता है. हाँ, इसके जो सैमसंग का पेज है, द लिंक आई विल बी पुटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको रख के ऐसे सेल्फी ले सकते हैं. हाउ कन्वीनियंट, बड़ा तीर मार लिया सैमसंग. इफ यू वांट टू स्पेंड 85,000 फॉर अ फोन, दैट विल बी नॉट एग्जैक्टली फॉर अ फोन, दैट विल बी फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपका फोन छोटा हो जाता है, आपका ऊपर वाली जेब में आ सकता है, बड़े आराम से आपका ट्राउजर या आपके पर्स के अंदर आ सकता है. इफ आई हैव टू स्पेंड 85,000 फॉर अ फोन जिसकी स्पेसिफिकेशंस आर एवरेज, just because it folds, I would wait actually. So that is your call, and do like, subscribe and share. Do see the other videos also. Thank you very much. Take care, God bless, and Jai Hind.